हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 18 फरवरी और 19 फरवरी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज है वो है मेनली वो है मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखो, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हम देख लेते हैं। तो मुद्दूमलाई जो टाइगर रिजर्व है, इसकी लोकेशन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है मुद्दूमलाई। इसकी लोकेशन वो मेनली तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन वाले एरिया में, मतलब तीनों स्टेट जहाँ पे मिलते हैं उस वाले में मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसके साथ इसके नियर बाई है वो भी लोकेशन देख लेते हैं। इसके नियर बाई में एक होता है बांदीपुर नेशनल पार्क या बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और इसी के साथ इंपॉर्टेंट हुआ है वेम्बनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसकी लोकेशन हमने देख ली कि वेम्बनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन ये है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व की लोकेशन ये है। इसी का इन दोनों के बीच में एक रिवर, मतलब मुद्दूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है एक रिवर है जिसका नाम है मयूर रिवर। तो ये ध्यान रखना कि मयूर रिवर है वो बांदीपुर नेशनल पार्क और मुद्दूमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन दोनों की वो एक तरीके से बाउंड्री वो बनाती है, सीमा बनाती है। सबसे अहम न्यूज आती है वो आती है कि जो मुद्दूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह मेनली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी का एक हिस्सा है। तो यह चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी, इससे हमें अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। इसी के साथ हम देख लेते हैं एक जो इम्पोर्टेंट है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई साइलेंट वैली नेशनल पार्क का कौन से स्टेट में है, ये इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन हमने एक बार देख ली है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थी इसके बारे में कुछ बेसिक न्यूज जो हमने यहाँ पे एक बार डिस्कस की। तो एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं क्या क्या था। कि मेनली इसमें यह था कि जो मुद्दूमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह मेनली तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन वाले एरिया में, इसी के साथ बांदीपुर नेशनल पार्क इसके नॉर्थ में इस वाले एरिया में इसकी लोकेशन देखी, और यहाँ पे वेम्बनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये देख ली हमने लोकेशन, और ये सारी लोकेशन थी। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो मेनली आई है, एक सेकेंड स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे होगी, हाँ ये देखते हैं न्यूज, वो है टेरी के बारे में। वो है टेरी, तो टेरी क्या है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये टेरी है, ये मेनली 1974 में बनाया गया था टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका काम क्या है, इस इंस्टीट्यूट का काम ये है कि मेनली एनर्जी, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिसर्च है वो करता है, ताकि इस मामले में अच्छी रिसर्च हो सके और अच्छी पॉलिसीज है वो बन सके। तो ये इसका कुछ बेसिक काम है जो हमने डिस्कस किया। पिछले साल से काफी न्यूज में रहा है टेरी, तो हमें इसके बारे में न्यूज है वो ध्यान में रखनी है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है बहुत बार कि टेरी है क्या। ध्यान रखना कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एक थिंक टैंक के नाम से भी है। तो यह चीज ध्यान रखना कि थिंक टैंक है जिसका काम क्या है, रिसर्च वगैरह करना है इन्वायरमेंट से संबंधित, एनर्जी से संबंधित। और इसका पुराना नाम वो था टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद में इसका 2003 में नाम बदल दिया गया द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यूज एक्चुअली है कि जो राजस्थान की इंदिरा गांधी कैनाल है उसके लिए फंड दिया गया था, तो वो आईडीबी के द्वारा दिया गया था। तो हम देख एनडीबी के द्वारा देख लिया गया था, सॉरी एनडीबी। तो इसमें है क्या, देखो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो मेनली ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और यह ब्रिक्स कंट्रीज का जो छठा समिट हुआ था ब्राजील में, उसके तहत इसकी घोषणा की गई थी और तब बनाया गया था। स्टार्टिंग किसकी कैपिटल थी, वो थी $100 बिलियन की। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है वो आता है संघाई, जो कि चाइना में है। यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी है, आगे भी क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। और यह एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। काम क्या है इसका, इसका काम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है इमर्जिंग इकोनॉमीज में, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पैसा है, मतलब फंड है वो देता है। तो ये इसका बेसिक काम है, तो हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज थी वो थी मुद्दूमलाई टाइगर जो हमने यहाँ पे देख लिया है नोट्स है। उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व है या टाइगर सेंचुरी है, टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और इसमें फौना एंड फ्लोरा दोनों स्पीसीज पाए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और जंगली जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है कावेरी रिवर के बारे में। देखो कावेरी रिवर का विवाद काफी सुर्खियों में था, तो अभी इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो हमने इसके बारे में एक दो प्रीलिम्स के नजरिए से जो दो तीन पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है कि कावेरी रिवर है वो कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर बहती है, मतलब मेनली इसको ऐसा है वो कर्नाटका और तमिलनाडु से बहता है। और उसके बाद में केरल और पौंडीचेरी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसके आके मिलती हैं, मतलब कावेरी रिवर की कुछ सहायक नदियां वो केरल से आती हैं, दो चार आती हैं पौंडीचेरी से। तो इसलिए चार स्टेट इसमें शामिल हो जाते हैं, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है हमको आपको बताइए। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये आता है कि कावेरी रिवर है वो साउथ एशिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लंबी जो साउथ एशिया की रिवर है वो है गोदावरी,
उसके बाद में सेकंड नंबर पे कृष्णा और थर्ड नंबर पे कावेरी। मैपिंग इंपॉर्टेंट है, वो मैपिंग अभी देख रहे हैं। और इसके बाद क्या है कि यह कहाँ गिरती है, यह मेनली ईस्टर्न साइड गिरती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके और मिलती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, एक बार मैपिंग देख लेते हैं सबसे पहले ताकि मेन कम हो जाए। तो इसकी मैपिंग है वो आप देख सकते हो कि मेनली इस वाले कर्नाटक के एरिया से निकलती है, फिर यहाँ से होती हुई और मेनली ये जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। लोकेशन हमने एक बार देख ली है क्योंकि ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ ट्रिब्यूटीज है वायर जैसे कनेक्शन वो आपको दिख रही है। तो आगे इसकी ट्रिब्यूटीज वो इंपॉर्टेंट है, तो उनमें कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड की देखते हैं हम, लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी में आती है हारांगी, हेमावती, सिमसा और अक्कावती। तो ये ध्यान रखना कि हेमावती है, सिमसा यूपीएससी से पूछ सकते हैं, एक दो बार पहले पूछा हुआ भी है। इसके बाद में आती है राइट साइड की ट्रिब्यूटरी, राइट साइड की ट्रिब्यूटरी में आती होती है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, अमरावती और नाइयाल। अमराती अमरावती है वो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल है, अभी तो खैर रिसेंटली तो हैदराबाद ही है, बट अभी डेवलप किया जा रहा है अमरावती को, जो कि नई फ्यूचर कैपिटल होगी आंध्र प्रदेश की। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो आई है स्मार्ट म्यूजियम के बारे में। तो इसके बारे में जो जो पॉइंट्स है वो देखते हैं कि स्मार्ट म्यूजियम क्या है। देखो स्मार्ट म्यूजियम है यह मेनली चलाया गया है सीडेक के द्वारा। सीडेक क्या है, सीडेक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके बारे में। तो इसके द्वारा स्मार्ट म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, सीडेक सीडेक काम ऐसे करी है कि जो भी इंडिया में म्यूजियम्स हैं उनका थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा मजेदार, थोड़ा स्पाइसी बनाया जा सके ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और लोगों के विजिटर्स बढ़े। तो उसके तहत कुछ रिवोल्यूशन चेंजेस करने के लिए उसने एक जतना और दशक नाम के दो सॉफ्टवेयर हैं वो बिल्ड किए हैं, तो उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जतन जतन या जतना नाम से है और दूसरा है दर्शक, दो इसके सॉफ्टवेयर बनाए गए सीडेक के द्वारा। तो जतन सॉफ्टवेयर है, उसका मेनली काम यह है कि जो भी संग्रहालय में संग्रहित वस्तु हैं उनकी डिजिटल कॉपी है वो रखी जा सके ताकि उनको लोग आराम से मतलब लैपटॉप वगैरह में वहां देख सके, डिस्प्ले वगैरह में। दूसरा है दर्शक, दर्शक जो सॉफ्टवेयर है वो मेनली मोबाइल बेस्ड एक एप्लीकेशन है, तो इसमें QR बेस्ड का सिस्टम होगा, जैसे QR जो कोड होता है ना उसकी तरह। तो इसमें क्या होगा कि जो भी वस्तु है उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह QR कोड से हम स्कैन करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इसका QR कोड है, तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेनली दो एप्लीकेशन से ध्यान रखना है। UPSC पूछ सकती है कि जतन और दर्शक क्या है, क्या कोई मिसाइल है, क्या कोई टैंक वगैरह, तो ये हमें ध्यान रखना है कि नहीं नहीं भाई ये तो सीडेक के द्वारा हमारे देश में जो म्यूजियम्स हैं उनका थोड़ा मतलब उनके बारे में जानकारी करने के लिए दो एप्लीकेशन से वो बनाए गए हैं। अब तो देखेंगे सीडेक के बारे में। सीडेक जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जो कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। काम क्या है सीडे का, इसका काम यह है कि है इंडिया का एक जो भी मतलब इंस्टीट्यूट, इंडिया की जो भी मिनिस्ट्री वगैरह जो भी डिपार्टमेंट है उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है कंप्यूटर सेक्टर में। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं हम आगे, आगे है हमारे आज के क्वेश्चंस। न्यूज खत्म हो चुकी है क्योंकि इस मंडे को आपको पता ज्यादा न्यूज होती भी नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह हुआ है साइकोन के बारे में, तो आपको बताना है कि SAICON के बारे में कि है क्या। सबसे पहला ऑप्शन ये दिया गया कि है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि सीनियर सिटीजन को मेडिसिन वो प्रोवाइड करवाती है। दूसरा ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इसमें जो इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है उनके साथ कोलोबरेट करेगी और जो काम है इसका वो क्या जाएगा, तो ये आपको बताना है कि दोनों सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है MSMEs के बारे में, तो आपको बताना है कि MSME संबंध या MSME संबंध है क्या, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें ये दिया गया है, पहला स्टेटमेंट कि है एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, मतलब इसमें सार्वजनिक ऑनलाइन खरीद बिक्री का एक पोर्टल है। दूसरा ये है कि MSME है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट जनरेटर एक तरीके से, मतलब MSME में इंडिया के थर्ड लेवल पे MSME है वो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट इंप्लॉय जनरेटर है, मतलब MSME है वो इंडिया में जो तीसरे नंबर पे रोजगार है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के बारे में। तो इसका पहला ऑप्शन ही है कि मतलब पहला स्टेटमेंट यह है कि जो इसका मेन काम है वो है नेचुरल गैस प्रोवाइड करना, मतलब प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना है वो नेचुरल गैस प्रोवाइड करने के लिए चालू की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि इसमें ओनली यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल है वो शामिल है, मतलब यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल स्टेट इसमें शामिल है। और थर्ड ऑप्शन है वो है IOIL कि ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोजेक्ट के लिए या वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये थी हमारी क्वेश्चंस, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया, वेम्बनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, सिलिकॉन वैली, साइलेंट वैली सॉरी नेशनल पार्क, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो कहता है टेरी के बारे में, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक थिंक टैंक है, नॉट प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। काम क्या है उसका, एनर्जी इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है,
रिसर्च वगैरह करते हैं, तो यूपीएससी से पूछ सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक से रिलेटेड थिंक टैंक है, इकोनॉमिक से संबंधित या ऐसे, तो नहीं भाई इसका काम है वो एनर्जी एनवायरमेंट और इस दिशा में ही है। और इसका पुराना नाम था वो टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसके बाद में हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद में हमने मुदुमला टाइगर रिजर्व के बाद में हमने देखा था कावेरी रिवर का डिस्प्यूट देखा था कि भाई कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो इंपॉर्टेंट है, हिमावती है, वो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि हिमावती कौन सी ट्रिब्यूटरी है। खैर चलो आपने देख लिया तो डिस्कस कर ही लिया हमने, कोई नहीं। अगला था स्मार्ट म्यूजियम के बारे में थी, जो हमने देखा कि सीडेक के द्वारा एक प्रोग्राम चला गया है, मेनली सॉफ्टवेयर बनाया गया है ताकि जो भी इंडिया के म्यूजियम्स हैं उनको थोड़ा डिजिटल रखा जा सके और यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट है वो किया जा सके। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। और इसके साथ इंपॉर्टेंट बात यह कि आज की जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो थोड़ी लेट हो सकती है, क्योंकि मुझे किसी कारणवश कहीं जाना है तो आने में देरी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से पब्लिश हो सकता है, तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।